गुड इवनिंग गाइस, फिलहाल बज रहे हैं रात के 8:30 और अपन हो गए हैं तैयार। अब निकलते हैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। बाकी आज पूरा दिन भर कॉन्फ्रेंस में थे तो बिल्कुल भी यार टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का। सुबह 8:30 के आसपास ही निकले थे और रात के 8:30 बज गए हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे। सोच रहा हूँ कि बोट की है जो कि वहाँ डाउनटाउन के पास है, डाउनटाउन तो बोलते नहीं हो जगह को, वैसे ही मैं बोलता हूँ बस। तो उधर जाते हैं मरलाइन की साइड, वहाँ ब्रिज है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है उस पर और बोट की है, रेस्टोरेंट्स हैं रिवर के साथ में, तो वहाँ जाते हैं। फिलहाल वॉक कर लेंगे थोड़ा बहुत इस बहाने, ऑल दो ऑलरेडी 15,000 स्टेप्स हुए हैं दिन के आज, बट यार चलते हैं। अब यहाँ ऑफिस कर रहा हूँ, यहाँ होटल में बैठ के क्या करेंगे, 8:30 बजे हैं, डिनर कुछ खास करना नहीं है क्योंकि दिन में बहुत खा लिया था। तो चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं कुछ ग्लिम्स सिंगापुर के और यहाँ की स्ट्रीट्स रोड्स। बाकी तो सब एक जैसा ही है यहाँ पे, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, बट रात को यार बढ़िया हो जाती है बिल्डिंग्स बहुत लाइट की वजह से। चलते हैं नीचे, अपना एक्सेस कार्ड लेते हैं और फ़ोन उठाते हैं और चलते हैं। भाई नज़ारे बड़े बढ़िया रहते हैं यार रात को, ये देखो ऑडी। सुपर कार्स लाइटिंग वाइटिंग देखो, चलते हैं यार। ये तो आपको पहले भी दिखा दिया था बाकी कल, लेकिन बारिश बहुत भयंकर हो रही थी, कुछ खास रिकॉर्ड हुआ नहीं था। आज करेंगे ढंग से रिकॉर्ड, होपफुली बारिश ना हो, बाकी देखते हैं भाई जैसा भी होगा। यहाँ इनफैक्ट यूनिक्लो और H&M में जो प्राइसेस हैं वो इंडिया से सस्ते हैं। इंडिया में ये ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स की तरह हैं, सो ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये आ गए अपन मरीना स्क्वायर और सामने ये होटल, सबसे पुराना होटल तो भाई यही वाला है, सबसे ऊँची बिल्डिंग। चलते हैं अब सिंगापुर के ही नज़ारे दिखाते हैं, अपनी शक्ल तो क्या ही दिखाएंगे यार। वेदर बड़ा प्लेजेंट हो रहा है, ब्रीज चल रही है हल्की हल्की। ये आ गया आपका सनटेक सिटी मॉल और ये आ गया आपका मेट्रो स्टेशन एस्प्लेनेड। ये आ गई डबल डेकर बस, ये चलती है यहाँ पे जैसे दिल्ली में हॉप कौन सी बस थी जो कि फिक्स्ड टूरिस्ट स्पॉट्स पे रुकती हैं और आप हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकते हो। गए भाई 2019 में JW मैरियट, वो रहा मेन इनका सिटी सेंटर डाउनटाउन एरिया, वहीं जाते हैं अपन बोट की तरफ, दिखाते हैं बाकी आपको क्या है बोट की। ये यहाँ का सिंगापुर का मेमोरियल है, 2019 में ये बन रहा था, अभी कंप्लीट हो चुका है, इसी के अंदर से जाएंगे अपन। हो जा ग्रीन यार, भाई अपन आ गए हैं ये सिंगापुर मेमोरियल में। बाकी ये साउथ बीच है, ये JW मैरियट का कैंपस है, कैंपस बोलो कॉम्प्लेक्स बोलो, बहुत बढ़िया होटल है ये JW मैरियट क्योंकि ये नया बना हुआ है। बाकी ये मेमोरियल, अब इसको क्रॉस करके जाते हैं अपन उस साइड। बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है एक्चुअल में सिंगापुर ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड सिटीज़ इन द वर्ल्ड और कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कंट्री है जो एक्चुअल में सिटी के बराबर ही है साइज में, तभी थोड़ा मैनेज करना भी इजी है इसको। तमिल यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है एक्चुअल में, ये देखो तमिल में लिखा है मेमोरियल टू द सिविलियन विक्टम्स ऑफ द जापानीज ऑक्यूपेशन, ओके, जो वॉर हुआ था जिसमें बहुत सारे इंडियंस ने भी पार्ट लिया था 1942 to 1945। तो ये कुछ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम नहीं यार मेमोरियल है, और ये रहा JW मैरियट, ये रेफल सिटी, स्विस होटल है ये वाला जो दिख रहा है आपको, सबसे पुराने होटल्स में से एक है। चलते हैं इसकी तरफ,
बाकी भाई बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। अपन ने वही कपड़े पहन लिए हैं, कल थोड़े से भीग गए थे, थोड़े तो नहीं काफ़ी भीग गए थे, बट ठीक है थोड़ी देर पहने थे कपड़े थे। कौन निकाले बार बार यार, लड़कों को सब चल जाता है। फिलहाल ये लास्ट टाइम ये वाला सेक्शन रोड का काम चल रहा था तो अब बन गया है। रोड क्रॉस करके अपन को जाना है इस तरफ, सिंगापुर म्यूजियम के आगे से जाएंगे अपन। देखो यार कार्स भाई, जिन लोगों को कार्स पसंद है ना, सिंगापुर दुबई ऐसी सिटीज हैं आने की। ओ भाई हो जा ग्रीन, बहुत रूल्स हैं यार, तभी तो मुश्किल है यहाँ रहना, पागल हो जाए आदमी इतने रूल्स फॉलो कर कर के। 2000 years later. मिल गया रास्ता, मिल गया भाई, मिल गया रास्ता, ग्रीन हो गई लाइट। अब चलते हैं यहाँ से, ये भी पिछली बार थोड़ा इधर काम ही चल रहा था, लास्ट टाइम तो खैर यार 3 साल से ज़्यादा हो गए आए हुए। ये देखो व्यू यहाँ से जो आता है, दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम हेयर। ये रात को अलग ही दुनिया लगती है सीरियस पे। देखो ये देखो हाई वाइड एंगल में देखो, अलग ही दुनिया लगती है ये रात को बिल्कुल। वो मरीना बे सैंड्स जहाँ अपना कन्वेंशन चल रहा था, कन्वेंशन ही कॉन्फ्रेंस भाई, कमाल लुक आता है रात को। ये दिन में नहीं है कुछ ऐसा, दिन में लगेगा कॉन्क्रीट जंगल, रात को तो यार इसको देखते रहो बेशक, बिल्डिंग्स को ना बोर नहीं होगे आप, जैसे अपन पहाड़ों को देखते रहते हैं ना तो बोर नहीं होते हैं, कितने ही पहाड़ देख लो आप रिलैक्स करो, तो ये भी रात को बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं बिल्डिंग्स। और ये आ गया वो, हाँ सिंगापुर म्यूजियम नहीं, दिस इज नेशनल गैलरी सिंगापुर, म्यूजियम की तरह ही है एक्चुअल में ये। और अभी आई थिंक कपल ऑफ वीक्स बैक यहाँ पे ना फॉर्मूला 1 की रेस हुई है। वो भाई 360 डिग्री व्यू, सारी मेन बिल्डिंग्स, होटल्स, ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस, म्यूजियम, सब कुछ एक ही फ्रेम में। चलो चलते हैं आगे बोट की तरफ और आपको और दिखाते हैं। एक दो ना ब्रिज है वहाँ पे, जितना मुझे लास्ट टाइम याद है बहुत ही बेहतरीन उन पे लाइटिंग थी। अपने को उस तरफ जाना है, कहाँ से गए हैं बंदे ये नहीं पता। ओ ये रहा, मिल गया भाई मिल गया, खोजो तो मिल जाता है, खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो बटन ही है। चलते हैं भाई, लंबा ब्लॉग हो जाएगा सिर्फ व्यूज के नाम पे, सिंगापुर की गलियों के नाम पे, बट क्या करें अपन आएंगे। अपनावे नॉर्थ ब्रिज रोड, यहाँ लास्ट टाइम भी बहुत घूमे थे अपन। यहाँ पीछे है वो कैपिटल मॉल करके, यहाँ ये वाला इसमें है पॉलीमन स्ट्रीट में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया, लास्ट टाइम बहुत खाना खाया था उस पर भाई, अपने को देसी खाना चाहिए होता है। तो ये देखो ये सब ऑफिसेज हैं, यहाँ नीचे शॉप्स हैं ऊपर सारे ऑफिसेज हैं, तो आज आराम से घूम रहे हैं, कोई बारिश का सीन लग नहीं रहा है। ये क्या चल रहा है भाई, रोबोट चल रहा है क्या? हमारे ऑफिस में भी चल रहा है एक रोबोट, घूम रहा था कैफेटेरिया में। हाँ ये भी वही है,
भाई बहुत वेल प्लान्ड है यार, मतलब इतना इजी एक्सेस है ना व्हील चेयर वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग की हुई है, पूरा सिस्टम ही अलग है प्लानिंग का, मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो आप किसी और कंट्री की से। आ गए ऑफिसर्स, भागो भाई, सेकंड्स तोड़ो। पार्लियामेंट ये आ गया भाई, सरकार आ गई, सरकार पार्लियामेंट, ये देखो सिंगापुर का पार्लियामेंट कहाँ बना हुआ है और कितना जबरदस्त बना हुआ है, लग रहा है ना कमाल। नॉर्थ ब्रिज रोड पे है अपन, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे, आ ही गए अब तो बोट के, यहाँ से आगे से नीचे लेफ्ट में उतर जाना है ब्रिज पे और रिवर दिख जाएगी आपको, दिखाते हैं चलो। बहुत ही तकड़ी प्लानिंग है यार, मतलब देखते रह जाओ, सीखना चाहिए बाकी कंट्रीज को भी प्लानिंग कैसे होती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि छोटी सी कंट्री है ये, बिल्कुल सिटी के बराबर है एक्चुअल में, बट फिर भी अपनी कोई सिटी भी नहीं है ऐसी, प्लान भी कुछ है। व्हाट इज दैट, पहुंच गए बोट की, ये लो भाई बोट की पहुंच गए और दिख गई पहले फेरी, ये क्लार्क की साइड जाती है उधर, भाई रनिंग वगैरह भी कर रहे हैं प्रॉपर जबरदस्त। ये देखो ये सब जो यहाँ पे लाइट्स दिख रही है आपको, सब रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ अपना इंडियन रेस्टोरेंट भी है, लास्ट टाइम खाना खाया था, अच्छा खाना था, इंडियन खाना लेकिन एक्सपेंसिव है। बाकी ये पता नहीं कौन सा ब्रिज है, चलते हैं इसके साइड से। इधर से चलूँगा मैं, यहाँ से चलते हैं क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं इस साइड लाइन से, वहाँ से जाना ठीक नहीं लगेगा अपने को, लोग खाना वाना खा रहे होंगे वीडियो बनाते हुए, तो यहाँ से वॉक करते हैं। ये एक्चुअल में वॉक और इधर साइकिलिंग का ट्रैक बनाया हुआ है, हाँ वो जा रहे हैं लोग, देखो क्या बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये देखो साइकिलिस्ट रनिंग साइकिलिंग, प्रॉपर ट्रैक्स यहाँ भी बनाए हुए हैं और यहाँ एक्सेस है नीचे जाने का जो कि सेफ नहीं है अभी। इस व्यू को देखते हुए चलते हैं अपन, बहुत ही कमाल लग रहा है। यही था अपना ऑफिस पहले, अभी भी इधर ही है वैसे तो, बट बिल्डिंग चेंज हो गई है, अब थोड़ा सा इधर से 5 मिनट वॉकिंग, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हो गया है। बाकी जगह देखने लायक है यार, ये देखो फुल स्ट्रीट दिखाता हूँ आपको, ये सब रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से, हर टाइप की कुजीन मिलेगी यहाँ, चले।
हाँ ये देखो ब्रिज एक और, क्या बढ़िया लग रहा है लाइटिंग इसकी। और उधर आगे एक और है, याद थे मुझे लास्ट टाइम दोनों पे घूमे थे अपन। हैंगिंग ब्रिज टाइप बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये फुलर्टन होटल वन ऑफ द बेस्ट होटल्स, क्या जबरदस्त लग रहा है यार, जहाँ देखोगे वहीं पे बढ़िया। वो हेलिक्स ब्रिज है क्या शायद, देखते हैं। आई थिंक हेलिक्स ब्रिज है वो, बाकी इधर वॉक करके देखते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा वॉक कर ली है आज तो, 18,000 स्टेप्स हो गए वहाँ पर। दिखाते हैं आपको भाई जितने नज़ारे हम देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल रॉ तरीके से। ये लो ये देखो, ये अपना होटल वहाँ है, सनटेक सिटी। कितनी दूर आ गए हैं, 2 किलोमीटर के करीब आ गए हैं। अब चलते हैं यार इधर से, अभी सैंड्स उसी के आसपास घूम रहे हैं हम, यहाँ से चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक बारी मरलायन के पास भी चले ही जाएं, पास में आ ही गए हैं तो एक बारी रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है अपने को इस साइड, और मरलायन आ जाएगा तो उसको भी देख ही लें यार, उस बेचारे को क्यों छोड़े। चलते हैं इधर इस ब्रिज पे से टूवर्ड्स मरलायन, यहाँ से एक फ़ोटो और लेते हैं फिर चलेंगे यार, बहुत बढ़िया लग रहा है इधर से। ये फ्रेम चलो मरलायन की तरफ, फिर वहाँ से भागेंगे होटल की तरफ, और लंबा हो जाएगा, 3 किलोमीटर का चक्कर लग जाएगा, बट अब तो जाएंगे यार। यहाँ से लेफ्ट साइड पे रोड क्रॉस करके, और यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स रेंट पे आपको लेना है चलाना है बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे सामने खड़ी हुई है ये रही। यहाँ है वो अपना ऑफिस इधर। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए, बिल्कुल ऑपोजिट है मरीना बे सैंड्स के मरलायन, और यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है। ये देखो पूरा पार्लियामेंट बनाया हुआ, यहाँ भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं बट वेजिटेरियन कम ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मरलायन इनका म्यूजिक चल रहा है यहाँ से तो भगी। अपना होटल ये सनटेक, यहाँ अपनी कॉन्फ्रेंस चल रही है, कल भी है इधर। और देखो स्ट्रीट्स अलग ही कल्चर है भाई इधर का ना, इधर का क्या, ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज का कल्चर ऐसा ही है। और ये देखो फेमस मरलायन, देख लिया ना भाई मरलायन। चलो अब चलते हैं यार, हो गया। हाय
थिंक आई एम डन फॉर द डे। 9:30 अब यहाँ से चलेंगे एस्प्लेनेड होते हुए। चलो भाई अब इस ब्रिज से चलते हैं। और एक बार ये दिखा देते हैं आपको, ये बाकी फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, तो फिलहाल इस व्यू को बाय कर देते हैं और अपने होटल चलते हैं। 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से। चलो भाई कट लो अब यहाँ से, अब जाके रेस्ट करना है बस। ऑलरेडी 13 घंटे हो गए हैं होटल से काइंड ऑफ निकले हुए, बस बीच में आए थे कपड़े चेंज किए और आ गया था मैं नीचे। मरीना स्क्वायर के इस साइड आ गए अपन, अब उसको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। पहुंच ही गए बस अब तो अपने होटल, इधर से जाना है। चलो भाई सनपेक सिटी आ गया। अपन को रूल्स थोड़े बहुत तोड़ने पड़ेंगे भाई, तोड़े ही हैं हमने, रोड इधर उधर से क्रॉस कर ही लिया है कई बार, अब यहाँ से ना रोड क्रॉस करने का है नहीं। अब देखो अपन को भागना पड़ेगा, और ये मेन रोड है यार, यहाँ खेला हो जाएगा। यहाँ रोड क्रॉस करने में हो जाएगा खेला, देखते हैं कहाँ से मिलेगी जगह यार। बहुत लफड़े बहुत टेंशन है भाई लाइफ में, और भी बहुत टेंशन है, ये रोड क्रॉस करने की टेंशन और देते हैं। ये रहा अपना होटल द्वारका कॉन्रैड, अब आगे से जाते हैं वहां से करेंगे क्रॉस। रूल इधर से भी तोड़ना पड़ेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ठीक है इधर भी नहीं है रोड क्रॉस करने का। भागो भाई भागो, अपन इंडियन है भाई। अरे इंडियन नहीं भाई, सभी करते हैं यहाँ पे, जो बाहर से आते हैं ना वो सब करते हैं ये काम, यहाँ वाले बंदे नहीं करते, उनको पता है फाइन लग जाएगा मोटा, बाहर वाले रहते हैं भाई। जल्दी चलो निकलो बस यहाँ से किसी तरीके से। तो तोड़ दिया है थोड़ा सा रूल, बाकी भाई बस पहुँच गए होटल, तो इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं अब होटल में और आपसे मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, कल देखेंगे मौका मिला तो रिकॉर्ड करने का करेंगे, नहीं तो फिर कभी करेंगे। तब तक लिए मज़े करो, कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग, साइनिंग ऑफ, जय माता दी। स्टेप्स देखो भाई कितनी चल रही है आज, 20,000। सी यू टाटा बाय बाय।